चलो भैया, मोलपाली टाइप और डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू चाहिए हमें, तो प्रोडक्ट के नंबर से रिएक्टेंट के नंबर माइनस कर देने हैं सिर्फ, और सिर्फ कौन से प्रोडक्ट के नंबर, गैस वाले के, किससे माइनस कर देने, रिएक्टेंट के गैस वाले, जो नंबर आएगा वो उसकी पावर लगा देंगे। एन माइनस एम की वैल्यू मतलब ये रख देंगे, एन माइनस एम की जगह डेल्टा एन रख दी हमने, एन प्रोडक्ट के नंबर हैं और एम रिएक्टेंट के। हमें तो कुछ ये सब याद ही नहीं रखने, हमें ये याद रखना कि के सी और के पी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और इनकी पावर लगानी है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इतना सिंपल सा ध्यान रखना है। ये चैप्टर बड़ा ही सिंपल है, पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। देखो ये लिखा हुआ है, तो हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर ही दे। आर से लिया था हमने ना आर टू पी, आप घर में खुद करके देखना, अपने आप सब चीज़ें आ जाएंगी, अपने मन से इक्वेशन बना लेना, चलने भी इसका तरीका पता होना चाहिए आपको, यही आ जाएगा। छोटे से बना दिए हमने, तो जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आज से लेके जब तक भी पढ़ोगे ट्वेल्थ ग्रेजुएशन, लिखने का तरीका यही है, ऊपर पी नीचे ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, पावर लगाते जाना है जो भी हो, अल्फा बीटा, इसकी एम मान लो, इसकी एन मान लो, कंसंट्रेशन पूरे केमिस्ट्री में मोल पर लीटर लेना है, मोल पर लीटर की पावर एन, ऊपर जाएगा तो ये वाली पावर माइनस में हो जाएगी, तो मोल पर लीटर दोनों कॉमन आ जाएंगे, इसकी पावर एन, इसकी पावर माइनस एम, ये बन गई। इसको हम एक नाम भी दे सकते हैं डेल्टा एन जी, तो वही दे दी, डेल्टा एन जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल निकालने, लेकिन गैस वाले से अभी खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, आती है दो दो नंबर के। सेम चीज़ प्रेशर के केस में होगी, तो मोल पर लीटर की जगह एटीएम आ जाएगा, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, लिखिए रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, इसको और कर लें फिर एक्सरसाइज कराते हैं। के पी के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं। अभी हम आपको लिखवा देंगे आगे, जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, रिलेशन रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, ठीक है। कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लो, आपको अगर तरीका भी पता है तो आपको दुनिया की कोई भी रिएक्शन मान लो अपने आप चीज़ें जाती, और तरीका वही है जो हमने लॉ ऑफ मास रिएक्शन से सीखा है, ठीक है। तो कोई भी एक रिएक्शन मान लो, यही मान लेते आर टू पी, ठीक है, यही मान लेते, नोट कर लीजिए, लेट कंसीडर कर लिया हमने, कुछ भी नंबर मान लो एम, इसकी नंबर मान लो एन, कुछ भी मान लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब के सी के पी लिख लो दोनों के लिए, के सी तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेट टू दी पावर दिस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसी प्रकार के पी लिखिए,
प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, तो ये प्रेशर हो गया, ये अगर कन्फ्यूजन हो रही हो तो इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट पावर प्रोडक्ट की है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट पावर रिएक्टेंट की, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, हो गया। अब लिखा तो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आप इसके जगह ब्रैकेट की जगह आप सीपी भी लिख सकते हो, जैसे आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर एन, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, सी करके भी लिख सकते हो, एक ही बात है, पर ज़्यादा फेमस स्क्वायर ब्रैकेट करके लिखना है जी। कंसंट्रेशन ही लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन है। अब देखिए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी वी इक्वल एन आर टी, एन टी दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल केल्विन पर मोल इनवर्स, 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विनवर्स, 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या 1.99 कैलोरी। वी को उठा के इसके नीचे ले जाओ तो पी इक्वल हो जाएगा एन अपॉन वी अरे आर टी, एन अपॉन वी, एन मतलब मोल और वी मतलब वॉल्यूम, है ना। तो जो एन अपॉन वी है ये मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या होगी मोलरिटी, मोलरिटी होगी ना, ये एक प्रकार का कंसंट्रेशन है, तो हम उसको सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक साइन यूज कर सकते हैं। पी वी इक्वल एन आर टी, तो पी इक्वल एन वी अपॉन आर टी, एन अपॉन वी ए मोल, ए आपका वॉल्यूम, मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज मोलरिटी या कंसंट्रेशन ब्रैकेट, तो पी इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट आर टी, इसको नोट करिए, सी आर टी भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट आर टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए जब हम ये चीज ए के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा पी ए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रखना पड़ेगा हमें ए और ये आर टी। अच्छा ये पी ए के लिए क्यों निकाले जब हमने ए लिया ही नहीं है, यहाँ दो चीज़ें ली है हमने, एक रिएक्टेंट लिया और एक प्रोडक्ट, तो एक नहीं, अगर ए लिखा होता तो ए लिखते हम, था ना, तो यहाँ हमने लिखा पी आर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ब्रैकेट के अंदर भी क्या आएगा ये रिएक्टेंट वाला आर है और ये आर टी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको अगर दिक्कत आए तो आप अपने साइन चेंज कर लीजिएगा, एक्स वाई कर लीजिएगा, उससे कोई बात। अब यही चीज़ हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा प्रेशर आ जाएगा, है ना, ए प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा और ए आर टी, नोट करिए।
इन आर ओ पी को कुछ कर देते हैं ना, तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, आर डैश पी डैश मान लेते हैं, ठीक है, तुम लोग को दिक्कत ना आए समझने में। तुम फिर लोग अपने साइन कुछ भी बना सकते हो, हमने आर डैश पी डैश इसलिए कर दिया कंफ्यूजन ना हो आपको, है ना। कि तुम लोग एक्स वाई लेके कर लेना कुछ भी, उससे कोई आपको मेथड पता होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप अभी कहो चार हम इस साइड ले ले रहे, चार उस साइड ले ले रहे, उससे करके दिखा देंगे, उससे भी वही आंसर आएगा। तो ये रेक्टेंट वाला आर है और प्रोडक्ट वाला पी है, तो हमने इसे पी डेस आर डेस मान लिया। कौन सा बेटा, कौन वाला जी? अब इसको के पी में रखेंगे इस वैल्यू को, वो के पी की वैल्यू ही निकला ये बाई डिफ़ॉल्ट ना, पर ये हमने के पी से थोड़ी लिखा है, ये हमने यहाँ से लिखा है। आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल एन आर टी, तो एन अपॉन वी की जगह कंसंट्रेशन रख दिया, या सी रख दो या ब्रैकेट रख दो। तो जब हमने पी के साथ रखा रेक्टेंट, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा रेक्टेंट, और जब पी के साथ रखा प्रोडक्ट, तो फिर यहाँ भी प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को रख देना है जहाँ पे दोनों वैल्यू दिख रही है, तो इक्वेशन सेकंड में दोनों वैल्यू को रख दो। फ्रॉम इक्वेशन से बड़े ठंडे दिमाग से करिएगा, बड़े आराम से आप लोग कर जाओगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में इन वैल्यू को रख दे रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या था, के पी, ऊपर क्या था प्रोडक्ट, प्लेस ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की पावर क्या थी एन। देखो ये है प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, है ना, तो प्रेशर ऑफ और प्रोडक्ट जो अभी हमने यहाँ बगल में लिख दे रहे, यहाँ पर जो के पी इक्वल था वो था प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट की पावर एन, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन। तो सबसे पहले ये पी पी की वैल्यू रख रहे हैं हम, जे हो गई पी पी की वैल्यू, क्या है पी आर टी, पी आर टी। तो ये तो हमने सिर्फ किसकी वैल्यू रखी, पी पी की, जैसे की रखी ना, तो पी पी की जगह पे क्या आ गया पी आर टी। दिक्कत हो रही क्या, साइन बदल दे, बार बार आर ओ पी में कन्फ्यूजन, हाँ हो रहे हो कन्फ्यूज, अगर दिक्कत हो तो तुम लोग घर में कर लेना उसको चेंज, है ना, उससे कोई फर्क नहीं, कुछ भी मान लो एक्स वाई कर लो ना। तो देखो पी पी, तो ये है पी पी, इस पी पी की वैल्यू रख रहे हैं, तो इस पी पी की जगह आ जाएगा पी डैश आर टी। ये तो किसकी वैल्यू रखी, पी पी की, ये रख दी, इसकी पावर क्या लगी थी, तो इस टोटल की पावर क्या आ जाएगी एन आ जाएगी, नीचे आएगी, नीचे किसकी है पी आर, पी आर की वैल्यू देखो, है ना, ये पी डैश आर डैश हमने वहाँ कर दिया था, तो पी आर डैश की जगह क्या है आर आर टी, और इसकी पावर एम, नोट करिए। हो गया, तो लोग अगर दिक्कत आए घर में जाके अपने मन से एक नोट्स बना लेना एक्स वाई करके। देखिए तो इसकी पावर भी एन है और आर की पावर भी एन है और टी की पावर भी क्या है एन है, है ना, मतलब सबकी पावर। तो चलो पहले एक काम करते हैं, इस वैल्यू को ऐसे ही लिखा देते, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, आप लोग चाहिए तो इसको स्किप कर देना, ए
पी डैश आर टी पावर एन, जब पूरी वैल्यू ऊपर उठ के जाएगी तो ये पावर कैसे हो जाएगी माइनस, तो ए हो गया आर डैश आर टी पावर क्या हो जाएगा माइनस एम, नोट करो इतना। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे 10 की पावर लिखा है 7, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगा माइनस 7। अब देखो दोनों में से आर टी कॉमन है ना, तो यहाँ से बचेगा p की पावर n बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा आपका r की पावर माइनस m है ना, और दोनों में से r t क्या ले लें हम कॉमन है ना। तो देखिए तो k p इक्वल हो जाएगा आपका, एक स्टेप अपन को फिर से रिवर्स वापस जाना पड़ेगा क्योंकि वो हम ले आए प्राप्त कर लेंगे, चलो आगे रिवर्स कर लेंगे उसे। तो देखिए के पी इक्वल यहाँ से बच्चा पी डैश और पी डैश की पावर क्या है, पी डैश की पावर है एन, यहाँ से क्या बच्चा आर डैश और आर डैश की पावर क्या है माइनस एम है ना। ये एक स्टेप रिवर्स जाना पड़ेगा अपन को पीछे, ये आर को ऊपर नहीं लाना था, ले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये पी डैश की पावर एन और आर डैश की पावर माइनस एम, दोनों में से कॉमन क्या आ गया आर टी, और आर टी की पावर क्या आ जाएगी एन माइनस एम है ना, तो दोनों में से कॉमन आ गया आर टी, और आर टी की पावर हो जाएगी एन माइनस एम। इस आर को हम फिर से नीचे ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा पी डैश की पावर एन और आर डैश की पावर एम हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचा आर टी की पावर एन माइनस एम, एन माइनस एम क्या है प्रोडक्ट माइनस रेक्टेंट के मोल, वही है ना, तो ये डेल्टा एन जी, नोट करिए इतना। हमें तो यहाँ से लिखने में बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा पी आर आर बार, तुम लोग को कन्फ्यूजन नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, चलो फिर आ लगा बोर्ड में आ जाओ फिर। तुम लोग को लिए एक होमवर्क रहेगा, तुम लोगों को यही लिख के लाना है घर से, एक्स वाई करके लिखना सेम चीज, इसको एक्स मान लेना इसको वाई मान लेना। ये गाय डैश क्या सब हट जाएगा बेटा, जहाँ आर डैश है वहाँ एक्स आ जाएगा, जहाँ पी डैश है वहाँ ए है, तो उसमें तो हमने डैश मानी नहीं है, हमने डैश इस वाले को माना है, इस वाले आर को डैश माना है, इस वाले पी को डैश, तो यहाँ तक नहीं हटेगा ना, नहीं यहाँ तक नहीं। देखो सुनो फिर से वही रटने वाली बात हो रही है वजह, तो हम क्या कह रहे हैं तुम अपने मन का कोई भी रिएक्टेंट ले लेना और यही प्रोसेस लगाना, चलो अभी हम कर देंगे एक बार और तुम लोगों के लिए, ठीक है। बताओ इसकी वैल्यू क्या है, केसी है कि नहीं, तो उस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, हम केसी लिख सकते हैं, इसीलिए हमने अभी तक मिटाया नहीं था हमने, तो ये आ गया रिलेशन के पी इक्वल के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी है ना जी जी। इस रिलेशन को याद रखना है, के पी के सी में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इस चीज को लाने के लिए तो ऊपर ही से, तो वो बताया ना हमने कि एक चीज जबरदस्ती ले गए ऊपर, रिवर्स अब जाते तुम लोग कहते सर हमारा गुद गया,
तो फिर हम टेस्ट नीचे आए, इसीलिए नहीं। वो आपने बोला ना कि एक स्टेप गलत, मतलब गलत नहीं गए बिना जो, तो ना लाओ ना इसे नीचे, यहीं से समझ जाओ कि ये क्या लिखा है, केसी लिखा है कि नहीं। तुम लोगों को सब चीज़ें क्लियर दिखे इसलिए वो हम नीचे ले आए। यहाँ से कुल मिला के, यहीं से, यहाँ से कुल मिला के आर टी बेस ऊपर ले जाना था हमें, तो आर टी की पावर माइनस एम हो जाता, ठीक है। आर को नहीं ले जाना था, अब वो हम ले गए पूरा ऊपर। अब रिवर्स आते तो आप ही लोगों की शिकायत होती कि सर हमारा गुद किया, तो हमने रिवर्स जाने की जगह एक स्टेप को पीछे कर लिया। इसीलिए आप लोगों से भी हम कहते हैं रटो नहीं, चीज़ों को समझो। अगर आप चीज़ें समझोगे तो कोई भी चीज़ कहीं से भी सही कर लोगे, लेकिन रटोगे तो फिर वैसे ही में चलेगा काम। चलो, डेल्टा एन जी क्या है? प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल, है ना, एन पी माइनस एन आर, और ये सिर्फ गैसेस के लिए होंगे। नोट करो कौन है बेटा, सिलेबस सब पता है, देख लो, पर पता है मैं क्या करोगे देख के। नोट करो, हो गया। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन डेल्टा एन जी, ठीक है। चलो इसी को एक, इसी को हम एक दूसरे तरीके से लगा के दिखाएं, है ना। तो चीज़ों को समझो, नोट नहीं करना ऐसे लिखते हुए, ठीक है, जल्दी जल्दी करके दिखाते हैं। की हाँ हाँ आप फोटो ले लो, घर में जाके क्या तुम चीटिंग करोगे? चीटिंग नहीं, अपने मन से करना। फोटो वोटो लेना है तो ले लो, लेकिन अब तुम और उससे अलग करना। चलिए ठीक है, इससे करके देखते हैं। ए बी बी टेंस टू फॉर्म सी, उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, कैसे भी करो आना बस चाहिए, ठीक है। जल्दी से देखो, स्पीड से करते हैं। के सी सी की पावर, हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो आप लोग समझ जाना, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, ठीक है ना। के पी लिख दे, के पी तो सी की पावर सी, आज नहीं, डी की पावर डी, जो भी देखना शांति से देखो। ए की पावर ए और बी की पावर बी हो जाएगा। चलिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, पी भी इक्वल है आर टी, सॉल्व कर देंगे तो यही आ जाएगा, पी स्क्वायर आर टी, यही आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलो दोस्तों, तो अब हमारे पास इस बार ये चार चीज़ें हैं। वहाँ आर ओ पी बेस था तो आर ओ पी बेस के लिए लिखा था, लेकिन इस बार ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी है, तो इन सब के लिए लिखना पड़ेगा। तो ए के लिए लिख देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आर टी, बी के लिए लिखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, बी बी आर टी आ जाएगा, सी के लिए लिख देंगे तो सी आर टी आ जाएगा, है ना, और डी के लिए लिख देंगे तो डी आर टी आ जाएगा। इन वैल्यू को पुट करते कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना। पी ए की जगह पी ए की वैल्यू रख देंगे, पी वी की जगह पी सी पी डी, है ना। तो ये जो के पी इक्वल हो गया, ये क्या हो जाएगा, पी ए की जगह रख देंगे, ये ऊपर तो प्रोडक्ट है तो सी, है ना, तो सी की जगह क्या आ जाएगा, सी आर टी, और पावर क्या लगी हुई है, स्मॉल सी, यही लगी हुई है ना, पी सी की वैल्यू रख दी, ये हो गई उसकी, है ना। इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी आर टी, और पावर क्या लगी है, डी। यहाँ ए आर टी, और पावर क्या लगी है, स्मॉल ए, और यहाँ पर वी आर टी, और पावर क्या लगी है, स्मॉल वी, यही लगा होगा। यहाँ से आर टी कॉमन ले लें,
तो यहाँ से बचेगा सी की पावर स्मॉल सी और डी की पावर स्मॉल डी। यहाँ से आर टी कॉमन आ गया, जे आर टी, ठीक है। आर टी की पावर क्या आ जाएगी, सी प्लस डी, यही आ जाएगी सी प्लस डी, ये आ गई आर टी की पावर। यहाँ से आर टी की पावर सी आ जाएगी और वहाँ से डी। यहाँ से आ जाएगा ए की पावर ए और बी की पावर बी, और आर टी कॉमन ले लो ए प्लस बी, ठीक है। जे आर टी ऊपर जाएगा तो जे हो जाएगा ए माइनस बी, है ना। तो ये आर टी ऊपर गया तो ये हो जाएगा ए, नहीं ए माइनस बी नहीं, माइनस का ए प्लस बी, माइनस का ए प्लस बी, यही होगा ना। फिर से आर टी दोनों में सेम है तो आर टी हो जाएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये किसके मूल है, प्रोडक्ट के। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा डेल्टा एन जी। और चेक करो ये किसकी वैल्यू है, केसी की, है ना। तो वही आ गया के पी इक्वल के सी आर टी। तो आप कैसे भी करो, अगर आपको मेथड पता है तो हालांकि फाइनल वही आएगा। तो लिखोगे तुम ये वाला, ऐसे ही लिखे, लिख करो, मतलब सी ए की जगह वाई ले लो, काहे कुछ और हटके करो, चार चार लेके करो, तीन लेके करो, तीन प्रोडक्ट साइड ए बी सी ले लेंगे यहाँ पे। सर ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर है। हाँ, लॉ ऑफ मास एक्शन अगर पूछा जाएगा तो वहाँ ख़त्म कर देना जहाँ के पी के सी होता है। नहीं रिलेशन नहीं आता, रिलेशन अलग से, किस में, तो लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ रहे हो ना, तो उसी में पूरा चल रहा है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में लॉ ऑफ मास एक्शन आता है तो आपको के पी के सी तक लिखना है, जो उसके अंदर की चीज़ें। हाँ, तक लिखेंगे सर। हाँ यहाँ तक लिखो, लॉ मास एक्शन अगर आता है। फिर उसके बाद यूनिट भी नहीं लिखेंगे, ये पूरी यूनिट यूनिट वगैरह अलग से पूछी जाएगी, अगर पूछी जाएंगी तो। मतलब ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ मास एक्शन से ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है ना। अब सिलेबस में अगर ये हर एक चीज़ अगर एक पॉइंट लिखने लगेंगे तो फिर तो बहुत तो उसी के अंदर है वो पूरा लॉ ऑफ मास एक्शन। बुक्स उठा के पढ़ो कभी कभी तो उससे थोड़ा फायदा होता है। चलिए लेट्स सी। अब देखो बस हमें तीन चीज़ें पता चल गई हैं, उनको हिंट में लिख देती हूँ फिर आगे चलते हैं, क्योंकि उसी की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। हमें के सी लिखना आ गया, हमें के पी लिखना आ गया। के सी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है और के पी को प्रेशर के साथ लिखना है, ठीक है। ऊपर हमेशा रहेगा प्रोडक्ट और नीचे हमेशा टेंट, है ना। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस एक प्रोडक्ट डिवाइड रिएक्टेंट, है ना। ये ध्यान, और जो भी पावर हो अपने मन से लगा लेना, जो भी पावर हो, पावर लगाना है कुल मिला के, ना, जो भी पावर हो वो पावर लगानी है। हमें के सी के पी की यूनिट भी आ गई है पता करना, तो के सी की यूनिट है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर को हम मोलर भी बोलते हैं ना, तो मोलर की पावर डेल्टा एन जी भी लिख सकते हो।